मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज तारीख है 18/10/2023। आज का ब्लॉग स्टार्ट है और देख सकते हैं हम हो चुके हैं रेडी और सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम स्टार्ट तैयार हो चुके हैं और देख सकते हैं। और आज है बुधवार और सामने हमारे बाबा जी हैं, उनका दर्शन करेंगे और चलेंगे आशीर्वाद लेके। चलते हैं नीचे और देखते हैं नाश्ते में क्या है आज और करते हैं नाश्ता। नीचे आ चुके हैं और हमारा नाश्ता आ चुका है, देख सकते हैं आप। मिक्स दूध और हलवा खाएंगे आज, खाते हैं आपको। गरम जा रहा है ये। तो ये हमारा तो कंचन ले दूसरा। क्या बताएँगे तेरा जाना पड़ा ही। ये वो कचरियों के पास आता है ना? नहीं आती है। लाइन में रोड दे ही ना। करते हैं फिनिश और निकलते हैं काम के लिए। पार्किंग में आ चुके हैं और पिकअप हमारे पास आ चुका है और हम निकल चुके हैं गोदाम पे। गोदाम पे ही हम हैं, कहाँ अभी कन्फर्म नहीं है, जाते हैं पता चल जाएगा कहाँ जाना है। और देख सकते हैं पार्किंग में गाड़ी निकल चुकी है और निकल चुके हैं। आ चुके हैं और गाड़ी हमने लगा दी है और गाड़ी हमारी होगी लोड। लोड कराते हैं और निकलते हैं, पता नहीं कन्फर्म नहीं कहाँ जाना है, यहाँ तक होगा करोड़ वाली जाना है, करवाते हैं लोड और निकलते हैं। करके बहुत निकल चुके हैं हम, पे जाना है पहाड़गंज में, उतारना है माल और देख सकते हैं पहाड़गंज का ही माल था और वापसी रिटर्न आना है हमें यहीं पर, देख सकते हैं हम निकल चुके हैं। पहुँच चुके हैं और जाम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जाम 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 में काम करेंगे क्या, बड़ा बेकार है। देख सकते हैं 30,000 तक का पूरा जाम लगा हुआ है और जामों ने तो बड़ा मुश्किल कर रखा है। ऐसे हम जाम में फंसे रहेंगे तो क्या चक्कर लगाएंगे और क्या कमाएंगे। काफ़ी जाम है, 30,000 कोर्ट काम नहीं है हमारे। रोड पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं झंडे वाली माता मंदिर के आगे हमारा सामने जय माता रानी की। और ये सामने है पचपिया रोड, फर्नीचर मार्केट, रानी झांसी रोड, देख सकते हैं आप लोग। और हमें यहाँ से पहुँचते हैं, 1 किलोमीटर भी नहीं है, वहाँ जाना है माल लेके। पहुँचते हैं, उतारते हैं माल, उतार दिया है और निकल चुके हैं वहाँ पे। उस नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे करना है, लग रहा है और हमने छुट्टी किया और निकल चुके हैं। हम पहुँच चुके हैं बिल्किस्तान गोल चक्कर, देख सकते हैं आप। ये आ गया है बिल्किस्तान गोल चक्कर, इसे ईदगाह गोल चक्कर भी कहा जाता है। और यहाँ से हम निकल रहे हैं सीधा गोदाम के लिए, गोदाम पे जाना है और वहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ अभी गोल चक्कर कन्फर्म नहीं है, बस निकलाया हुआ है और जा रहे हैं। आ चुके हैं और माल हमारा लोड हो रहा है, हमें जाना है 1 लीटर कैलाश और करवाते हैं लोड और निकलते हैं। देख सकते हैं माल हमारा हो रहा है लोड, करवाते हैं लोड और निकलते हैं।
गाड़ी लोड करके निकल चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं जमुना बाजार हनुमान मंदिर के पास। और सामने निगम बोध घाट भी है हमारे, देख सकते हैं। और आगे हमें जमुना जी बाजार है और यहाँ से हमें निकलना है सीधा ग्रेटर कैलाश होते हुए। पर हम निकलेंगे पहले यहाँ में जाना है नया बाजार और उसके बाद जाना है करोल बाग और फिर उसके बाद जाना है ग्रेटर कैलाश। तो देख सकते हैं आप, आ गए हनुमान मंदिर की तरफ। जय मेरे बाबा। ये रहा अपना जमुना बाजार वाला मंदिर। बालाजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बाजार में हमारी एंट्री हो चुकी है और देख सकते हैं आगे पीली कोठी वगैरह आ चुकी है और हमें मारना है आगे से लेफ्ट। यहीं पे है विजय लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट, वहीं पे उतारना है हमें माल। उतार के निकलते हैं सीधा करोल बाग, करवाते हैं माल और निकलते हैं। बाजार में माल उतार के निकल चुके हैं और हम निकल चुके हैं अब करोल बाग के लिए। देख सकते हैं दाल की मार्केट है पूरी और यहाँ सारा आइटम मिलता है, दाल चावल सारा आइटम टोटल नया बाजार में है। और ये पे कहते हैं कि नया बाजार चौक है ये, और हम सीधा जाएंगे यहाँ से करोल बाग के लिए। बाजार के जाम से तो हम निकल चुके हैं, देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं फिल्मिस्तान और यहाँ से करोल बाग जाएंगे। ये रास्ता पहाड़ी धीरा सदर बाजार के लिए जाता है, ये सीधा रास्ता हमें जाना है राइट। ये सीधा पहाड़ी धीरा सदर बाजार के लिए जाता है और हमें जाना है राइट। करोल बाग में माल उतार दिया है और निकल चुके हैं, देख सकते हैं आप। ग्रेटर कैलाश के लिए माल उतार के ग्रेटर कैलाश निकलते हैं, देख सकते हैं जाम तो है ही काफ़ी, पार करते हुए निकलना है हमें। पहाड़ी वाले रास्ते पे आ चुके हैं और देख सकते हैं हमारे चारों तरफ जंगल ही जंगल, झाड़ है। ये रोड सीधा धोला कुआं में लेने लगता है, देख सकते हैं आप। हमें जाना ही है ग्रेटर कैलाश, धोला कुआं होके ही निकलेंगे। और देख सकते हैं आप झाड़ ही झाड़ जंगल ही। पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम निकलेंगे हम मोती नगर मोती बाग के लिए, देख सकते हैं। ये रोड सीधा मोती बाग के लिए ही निकलता है और साउथ एक्स वगैरह इधर ही पड़ेगा आपका। और हम फिलहाल पहुँच चुके हैं मोती बाग मेट्रो स्टेशन, देख सकते हैं आप। ग्रेटर कैलाश पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमारे उतरेंगे सात बोरे उतरवाते हैं और माल तुड़वा दिया और अब निकल रहे हैं घर की तरफ। बाल बाल देख सकते हैं बिल्कुल बेकार हो गए, दाढ़ी वाड़ी बनवाएंगे आज चल के, क्योंकि कल था मंगलवार, चक्कर में बनवा नहीं पाए। और आज सुबह क्रीम हमारी सेविंग ख़त्म हो चुकी थी और दूसरी वाली खतवा तो हमारी बड़ी हो चुकी है, तो नई थी करवाएंगे, बाकी घर में तो करती हैं। चलते हैं फिर, ऑन रोड आ चुके हैं और निकलते हैं घर के लिए। चलते हैं खाना खाएंगे, अभी खाना हमने खाया नहीं है, तो लेते हैं कुछ और करते हैं लंच। सोच रहे हैं पार्किंग में ही चल के करें क्योंकि तो आगे रुकना भी बुकी हो जाएंगे। टाइम बज गया है 4:45 बज गया लगभग और घंटा भी लग जाएगा पहुंचने में, तो चलते हैं अगर पार्किंग में और खाते हैं वहीं खाना। घर वाले रास्ते पे पहुंच चुके हैं और ये है चिड़ियाघर सामने आपको ग्राउंड, और हम इसी रास्ते पे हैं। यहाँ हमारे व्हीकल की नो एंट्री है पर हमारे पास लगी हुई है परमिशन आगे, तो यहाँ हमारी गाड़ी अलाउ है। और ऐसे करके उसके पास परमिशन नहीं लगी होगी, उसकी गाड़ी अलाउ नहीं होगी। और देख सकते हैं हमारी ही गाड़ी दिख रही है यहाँ पे, और कोई गाड़ी दिख भी नहीं रही है। और देख सकते हैं चिड़ियाघर रास्ता है, निकलते हैं घर की तरफ। ये है प्रगति मैदान का एंट्री गेट नंबर 4 और इस टाइम हम भैरव मार्ग पे चल रहे हैं।
भैरव मंदिर सामने उधर है, और हमें जाना है सीधा भैरव मंदिर के इधर, हमें जाना है सीधा प्रगति मैदान का गेट नंबर 1 आ चुका है। यहीं से एंट्री हमारी होती है, जब हम माल लेके आते हैं तो यहाँ से होती है एंट्री। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ आ चुके हैं। पार्किंग में आ चुके हैं और देख सकते हैं आप, बज रहे हैं 5:05 बज चुके हैं और हम लोग चल रहे हैं खाना खाने। खाना खाते हैं, दिखाते हैं आज खाने में क्या है। हमारा खाने में है आज आलू गोभी की सब्जी और आपका उड़द राजमा देख सकते हैं, और अपनी दही और आपका पालक का साग देख सकते हैं। इतना आइटम आज खाने में हमारा है, खाते हैं इसको, टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। दही के साथ राजमा उड़द, एक नंबर पालक का साग। दाल ये वाली भी अच्छी है जो मैं बाहर से ली है। दही भी बहुत अच्छा है, बड़ा बड़ा आलू गोभी और दही मिक्स करके खाओ, बहुत ही आनंद आता है। करते हैं इसको फिनिश और निकलते हैं जिम के लिए, टाइम हो चुका है जिम का, खा लेते पहले वहाँ निकलते हैं जिम के लिए। में आ चुके हैं और देख सकते हैं आज हमारा है बाइसेप्स, और बाइसेप्स की मशीन पे बैठे हुए हैं, मारते हैं बाइसेप्स, दिखाते हैं फोन हैंस मारते हुए बेंच पे से इसको देखते हैं, बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं मारते हैं बेंच। आज हमारा है नाश्ते में मारी गोल्ड का गुड्डे बिस्किट और आपका हल्दीराम का रोस्टेड देख सकते हैं, इतना बढ़िया है, इसकी बनावट अच्छी है और खाने में भी टेस्ट अच्छा है। और ये अपना बिस्किट है देख सकते हैं गुड्डे, इसको डालते हैं चाय में और करते हैं खाते हैं इसको। Thank you.
हल्दीराम का बहुत झकाट उनकी नहीं खाने में, आप भी आप ट्राई कीजिए वो लेके अपनी चाय दूध वाली। करते हैं इसको फिनिश और ये ब्लॉग करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।